हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर तो देखिए आज इस लेक्चर के अंदर मैं एक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है आज मैं उसी को एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ूंगा तो देखिए हमारा एक प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस तरह से ओरिजिन ओरिजिनेट होती है ठीक है जो ओरिजिन है हमारे पास मैग्नेटिज्म का इसके बारे में हमने स्टडी किया था जहाँ पे हमने दो तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट स्टडी की थी फर्स्ट इज योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और जो सेकंड थी हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड एज योर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं इसी लेक्चर को फर्दर एक्सटेंड करूँगा और थोड़ी सी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे तो देखिए हल्का सा मैं आपको ज़्यादा इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा तो थोड़ा सा मैं इसका बेसिक्स इसका रिव्यू आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड जो है जब आपके पास वो रिवॉल्व करेंगे ठीक है जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं हमारे पास ऑर्बिट के अंदर तो जो मोशन ये जो मोशन होता है आपके पास दिस इज़ कॉल्ड एज योर ऑर्बिटल मोशन ठीक है और इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपके पास एक मोमेंट जो फील्ड जनरेट होगी आपके पास ठीक है उसको हम बोलते हैं उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा गु, हमारे पास ठीक है रिवॉल्व करेगा तो हमारे पास जो फील्ड जनरेट होगी ठीक है जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगी उसको हम, हम नाम दे देंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है आफ्टर दैट हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ठीक है इसके बाद हमने जो है आपके पास जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट थी इसको लिखा था एल इंटू एल प्लस वन अंडर द रूट ठीक है इन यूनिट्स ऑफ बोहर मैग्नेटोन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास ठीक है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के राउंड घूमने के अलावा जो है अपनी एक्सिस के राउंड जो है वो भी वहाँ पे भी स्पिन कर सकता है ठीक है आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है ये जो मैंने इसी तरह से लाइन यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट दिखाई हुई है ठीक है यहाँ पर ऐसा सपोज कर सकते हो कि यहाँ पर एक एक्सिस है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर उसके राउंड हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास ये रोटेट कर रहा है या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पिन कर रहा है हमारे पास ठीक है तो इसकी स्पिन करने की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा उसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है movement, तो हमने स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी ठीक है जो कि हमारे पास निकल के आती है बाय दिस इक्वेशन जी अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन ठीक है जी हमारे पास लंडे स्प्लिटिंग फैक्टर था ठीक है इसके बाद मैंने आपके पास कंसेप्ट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको बताया था और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी दैट इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस टू ठीक है जो only, दिस इज स्पिन ओनली ठीक है दिस इज स्पिन सिर्फ स्पिन की वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगी ये वो है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू ठीक है इन यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेटोन और एन क्या है एन इज योर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे ठीक है क्योंकि देखिए यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया है यहाँ तक हमने ये स्टडी किया है कि हमारे पास एक एटम है ठीक है एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, है? न्यूक्लियस है अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास ठीक है वो जो एटम है दो तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रहा है पहली आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी सेकेंड हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी ठीक है तो इन दोनों को हमने अलग अलग से निकाल दिया है तो अब टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी टोटल इन दोनों का सम होगा हमारे पास ठीक है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होनी चाहिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है सो हमारी जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगी जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर एज वेल एज हमारी जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है ठीक है उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे टोटल है ना ठीक है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है इन दोनों का सम होगा हमारे पास तो देखिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हमने कितनी निकाली थी जब हमने जी की वैल्यू टू पुट कर दी थी तो हमारी जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आती है वो ये आती है फोर एस इंटू एस प्लस वन ठीक है दिस इज अवर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वेन जी इज़ इक्वल टू टू एंड सिमिलरली हमारी जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज गिवन बाई दिस रिलेशन एल इंटू एल प्लस वन अंडर द रूट ठीक है तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें ठीक है तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी ठीक है अब अंडर रूट में आएगी ठीक है दिस इज अंडर रूट ठीक है स्पिन स्पिन कितनी होती है हमारे पास फोर एस इंटू एस प्लस वन दिस इज योर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है प्लस हमारे पास साथ में कितनी है ऑर्बिटल ऑर्बिटल कितनी है एल इंटू एल प्लस वन तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज़ दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है जब इन दोनों का हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस विल बी योर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई इक्वेशन नंबर ए अब यहाँ पे हमारे पास एस क्या है एस इज योर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ठीक है एस स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एल इज योर रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं ठीक है जिसके लिए हमारे पास स्पिन वन बाई टू होगी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं टू भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं ठीक है थीके, तो वो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पिन होगी हम वो लिखेंगे एंड सिमिलरली रिजल्टेंट जो हमारी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी उसको लिखेंगे तो उन दोनों का सम हमारे पास क्या देगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तो अब देखिए अगर हम अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज निकली हुई हैं ठीक है एक हमारे पास ऑब्जर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं ठीक है जो हम जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी और सेकंड जो हमने वैल्यूज जो है वो आपके पास थ्रू स्पिन के थ्रू निकाली है ठीक है जो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ठीक है उसके थ्रू जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम बोलेंगे स्पिन ओनली वैल्यूज ठीक है तो अगर हम कंपेरिजन करें बिटवीन दी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ठीक है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकलेंगी एंड uh, जो हमारे पास स्पिन ओनली वैल्यूज़ हैं किसके लिए फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटलाइंस ठीक है इनके लिए अगर हम इन इन चीज़ को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं दैट इज़ स्पिन ओनली वैल्यूज मतलब जो सिर्फ और सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है जो आपका रिलेशन था दैट इज़ योर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू ठीक है इसके थ्रू जो वैल्यूज निकली ठीक है और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वैल्यूज़ आई वो बिल्कुल पास पास में थी ठीक है दे फाइंड अ वेरी गुड एग्रीमेंट बिटवीन दैम बट हमारे पास क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बट इन मेनी केसेस हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकल के आ रही हैं ठीक है जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे ठीक है वो हमारे पास जो हम स्पिन ओनली वैल्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला ठीक है जो आपके पास इस फार्मूला के थ्रू से हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं ठीक है दिस इज़ कॉल्ड ओनली एज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट दिस इज स्पिन ओनली ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से दिस इज़ योर स्पिन ओनली ठीक है याद रखना स्पिन की वजह से निकल रही है सिर्फ और सिर्फ ठीक है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकल के आएंगे स्पिन ओनली वैल्यूज़ और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ठीक है जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाल ली ठीक है वो उन कुछ केसेस में आपके पास डिफर डिफर होती हैं ठीक है अलग अलग होंगी अब वो अलग अलग क्यों होगी डेफिनेटली वो अलग इसलिए हो रही है हमारे पास क्योंकि हमारे पास कुछ और कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे देखने को मिल सकती है ठीक है कोई और मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पे ऐड हो रही है ठीक है तो हम क्या देखते हैं इन मैनी केसेस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डिफर्स फ्रॉम द स्पिन ओनली वैल्यूज यूजुअली द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से आप वैल्यू निकालते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती हैं ठीक है दे आर सम वट लार्जर ठीक है तो डेफिनेटली हमारे पास कौन सी कंट्रीब्यूशन रह गई हमने सिर्फ स्पिन की बात की थी ठीक है तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी होती है ठीक है तो जो आपके पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमने अभी भी लिखी ऑर्बिटल प्लस स्पिन ओनली मूवमेंट ठीक है उन दोनों का सम ठीक है तो अगर मैं आपके पास स्पिन ओनली मूवमेंट ठीक है जो आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकली है अगर मैं उसको कंपेयर करूं जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल लेंगे उसके साथ तो हमें क्या देखने को मिलता है हमें देखने को मिलता है कि जो स्पिन ओनली वैल्यूज़ निकल के आती हैं ठीक है थीके? वो आपके पास जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं उसके बिल्कुल पास ही होती हैं ठीक है थीके? लेकिन कुछ केसेज में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा क्यों होंगी क्योंकि वहाँ पर आपके पास स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट स्टडी की है वो भी वहाँ पे ऐड हो रही है ठीक है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन दोनों का सम है ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे पास किस तरह से आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे ऐड होगी ठीक है तो हम क्या करेंगे वन बाई वन मैंने यहाँ पे कुछ आयंस लिखे हुए हैं इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे और इनकी एक्सपेरिमेंटल और स्पिन ओनली वैल्यूज लिखेंगे हम तो पहला मैं ले रहा हूँ आपके पास अटोमी नंबर ट्वेंटी वन स्केंडियम ठीक है तो स्कैंडियम जो है मान लो दिस इज योर अगर मेरे पास हो जाए स्कैंडियम प्लस थ्री ठीक है स्कैंडियम जो है आपके पास दिस इज ट्वेंटी वन सो इसकी जो आउटर कन्फिग्रेशन होगी स्कैंडियम की ओनली डी टू एस वन होगी ठीक है सॉरी दिस इज डी वन एस टू ठीक है एस टू डी वन तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से निकाल देंगे तो मेरे पास इसकी जो आउटर कन्फिग्रेशन होगी दैट विल बी योर थ्री डी जीरो ठीक है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास तो इसके लिए एन ठीक है एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए जो स्पिन ओनली वैल्यू आएगी दिस विल बी जीरो ठीक है स्पिन ओनली वैल्यू हम कहाँ से निकाल रहे हैं बाई यूजिंग दिस रिलेशन अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू ठीक है इसके थ्रू एन जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पुट करके हम यहाँ से वैल्यूज निकालते जाएंगे ठीक है तो एक्सपेरिमेंटल भी यहाँ पे हमारे पास जीरो ही निकल के आती है ठीक है अब पकड़ते हैं हमारा तो सेकंड आयना दैट इज योर टाइटेनियम ठीक है टाइटेनियम प्लस थ्री ठीक है अगर मैं टाइटेनियम प्लस थ्री की बात करूँ हमारे पास जिससे टॉमी नंबर ट्वेंटी टू ठीक है तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो हमारे पास आउटर कनफिगिग्रेशन आ जाएगी थ्री डी वन ठीक है थ्री डी वन है एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे तो अगर आप इसकी स्पिन ओनली वैल्यू निकालते हो ठीक है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है ठीक है तो ये जो हमारा रिलेशन है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं ठीक है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू ठीक है एन कितना है अगर वन होगा हमारे पास तो दिस विल बी वन इंटू वन प्लस टू विच इज़ अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री होता है हमारे पास वन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है अगर एन दो होगा पास, 2 2 2 root, become, हमारे पास दिस इज टू इंटू टू प्लस टू अंडर रूट ठीक है दिस विल बिकम हमारे पास एट तो अगर एट अंडर रूट टू होगा हमारे दिस इज अंडर रूट एट विल बी टू अंडर रूट टू ठीक है दैट इज टू इंटू वन पॉइंट फोर वन फोर विच इज़ अवर टू पॉइंट एट टू एट ठीक है सिमिलरली अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास तो हमारे पास क्या बन जाएगा थ्री इंटू दिस इज थ्री प्लस टू ठीक है सो दिस विल बी अंडर रूट फिफ्टीन और रूट फिफ्टीन हैज़ अ वैल्यू क्लोजर टू फोर ठीक है फोर के पास हो गई दिस विल बी थ्री पॉइंट एट सेवन तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं सो वेन वी हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास जो स्पिन ओनली वैल्यू होगी दिस विल बी वन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है दिस इज़ वन पॉइंट सेवन थ्री और एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है दिस इज़ वन पॉइंट सेवन से लेके वन पॉइंट एट तक निकल के आती है तो आप देख सकते हैं जो स्पिन ओनली वैल्यू है दिस इज़ क्लोजर टू दी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आती है ठीक है अब सिमिलरली मैं एक और टाइटेनियम आइन ले रहा हूँ दैट इज़ अवर टाइटेनियम प्लस टू ठीक है तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमारे पास तो आउटर कन्फिग्रेशन विल बी थ्री डी टू ठीक है तो थ्री डी टू है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास तो हमारे पास जो इसकी uh, स्पिन ओनली वैल्यू आएगी दैट विल बी योर टू पॉइंट एट थ्री ठीक है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट लाइज इन टू पॉइंट एट से थ्री पॉइंट वन ठीक है अब जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज योर वेनेडियम विनेडियम टोमी नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है तो आई एम राइटिंग विनेडियम प्लस टू ठीक है विनेडियम प्लस टू मतलब थ्री डी थ्री ठीक है तो D3 थ्री कन्फिग्रेशन हो जाएगी इसकी तो अगर थ्री डी थ्री कन्फिग्रेशन होगी मतलब नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल भी थ्री ठीक है अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास मेडियम के अंदर हमारे पास तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आई थी दैट इज़ अंडर रूट फिफ्टीन विच इज़ क्लोजर टू फोट फोर दैट इज़ अवर थ्री पॉइंट एट सेवन ठीक है और जो एक्सपेरिमेंटल हमने निकाली है दैट इज थ्री पॉइंट सेवन से लेके थ्री पॉइंट नाइन के बीच में ठीक है एंड सिमिलरली हमारे पास हमें मैं बाईवलेंट आयन ही लिखूंगा तो क्रोमियम प्लस टू क्रोमियम प्लस टू विल बी थ्री डी फोर ठीक है डी फोर कन्फ्यूग्रेशन मतलब आपके पास अब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब जब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे विल बी अंडर रूट फोर इंटू फोर प्लस टू ठीक है दैट इज़ अंडर रूट ट्वेंटी फोर विच इज़ क्लोजर टू फाइव ठीक है तुम्हारी तो वैल्यू जो होगी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट पाँच छः पाँच छः के आसपास तो अगर हमारे पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दिस इज फोर अंडरूट फोर इंटू फोर प्लस टू ठीक है विच इज़ ट्वेंटी फोर ठीक है विच इज़ क्लोजर टू फाइव ठीक है पाँच के आसपास होगी दैट इज़ फोर पॉइंट नाइन जीरो ठीक है और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज है दैट इज़ फोर पॉइंट एट से लेके फोर पॉइंट नाइन तक ठीक है एंड सिमिलरली नो मैंगनीज टू मैंगनीज टू जो होता है हमारे पास दिस इज योर थर्टी फाइव ठीक है अब नंबर ऑफ अन पर जो है पाँच होंगे पाँचों जो डी ऑर्बिटर में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास तो जो नेट हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी स्पिन ओनली अंडर रूट फाइव इंटू फाइव प्लस टू होगा ठीक है सो दिस इज योर रूट थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव का मतलब है कि आपके पास सिक्स के क्लोजर होगी तो सिक्स के क्लोजर जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज योर फाइव पॉइंट नाइन टू ठीक है और एक्सपेरिमेंटल कितनी है इसकी एक्सपेरिमेंटल है फाइव पॉइंट सेवन से लेके सिक्स के बीच में ठीक है अब सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट आयन है दैट इज योर आयरन टू ठीक है फेरस आयन फेरस जो है हमारे पास इसकी जो आउटर कन्फिग्रेशन होती है दैट इज थ्री डी सिक्स ठीक है देन वी हैव कोबाल टू कोबाल टू विल बी ओर थ्री डी सेवन ठीक है निकल टू निकल टू विल बी योर थ्री डी एट एंड वी हैव कॉपर टू कॉपर टू इज योर थ्री डी नाइन उसके बाद आपके पास जिंक ठीक है जिंक टू वाइन होगा जिंक टू आइन विल बी डी टेन कन्फिग्रेशन टू डी टेन के लिए तो आपके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो डेफिनेटली स्पिन ओनली वैल्यू जीरो आएगी हमारे पास ठीक है तो उसको लिखने की मैं यहाँ पे जरूरत नहीं है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आयरन टू ठीक है थ्री डी सिक्स है हमारे पास पाँचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है अब एक में जो है आप, आपके पास जो है वो पेयरिंग हो जाएगी ठीक है जब पेयरिंग हो जाएगी आपके पास तो हमारे पास टोटल फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ठीक है देखिए मैं यहां पे आपके पास लिगेंड को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आ, हमारे पास जो फ्री मेटलाइंस हैं उनकी बात कर रहा हूं ठीक है तो अभी आप हाई स्पिन लो स्पिन कंप्लेक्सीज लेके मत चलो मैं यहां पे यूजुअली आपके पास जो फ्री मेटालाइंस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर हमारे पास ठीक है तो अब सिमिलरली कोबाल टू में हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ठीक है थ्रीटी सेवन है दो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पेड कर जाएंगे तो हमारे पास तीन रह जाएंगे एंड निकल टू में हमारे पास जो है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे एंड कॉपर टू आप सभी को पता ही है एक ही एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेड होता है हमारे पास ठीक है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी सारी की सारी अब रिवर्स में आ जाएगी दिस इज योर फोर ठीक है देन वी हैव तीन के लिए हमारे पास थ्री होती है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास टू होती है और वन के लिए हमारे पास वैल्यू 1.73 होगी ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज लिखे दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ एंड दीज आर योर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स वैल्यू तो अब देखिए आपने क्या करना है जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया कि अगर हम कंपेयर करते हैं अगर मैं यू आपके पास जो स्पिन ओनली वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ठीक है अगर इनको कंपेयर करूँ किसके साथ जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ निकाल ली हैं ठीक है अगर इनके साथ मैं कंपेयर करूँ ठीक है जो एक्सपेरिमेंट करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो स्पिन ओनली वैल्यूज़ हैं ठीक है स्पिन ओनली मतलब जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वहाँ पर कोई ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ और सिर्फ हमें स्पिन से मतलब है जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकल रही है हमारे पास तो आप देखते हो कि वो जो वैल्यूज है हमारे पास वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के बिल्कुल क्लोज हैं ठीक है ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है ये इसके बिल्कुल पास पास में ही है ठीक है आप जैसे वन पॉइंट सेवन थ्री वन पॉइंट सेवन और वन पॉइंट एट के बीच में है ठीक है सिमिलरली टू पॉइंट एट यहाँ पर टू पॉइंट एट से लेकर थ्री पॉइंट वन के बीच में है ठीक है तो ये वैल्यूज ज्वाइंट की बिल्कुल पास पास में है तो इसका मतलब क्या वो हमारे पास जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के लिए ठीक है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो किसकी रह रही है आपके पास स्पिन ओनली की स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की है ठीक है तो उसका मतलब क्या हुआ हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आ रही है ठीक है मोस्टली क्या निकल के आ रही है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर हमारे पास ये डिफरेंस जो है थोड़ा ज्यादा है जैसे आपके पास यहाँ पे देखो टू पॉइंट एट थ्री फोर टाइटेनियम टू लेकिन एक्सपेरिमेंटल थ्री पॉइंट वन तक है तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है ठीक है जैसे सिमिलरली यहाँ पे तो आपके पास बहुत कम है वन पॉइंट सेवन थ्री और यहाँ पे वन पॉइंट एट तक ही है ठीक है तो इन केसेस के अंदर जहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे लाइक कोबाल टू ठीक है कोबाल टू में आप देख सकते हैं जो हमारे पास स्पिन ओनली वैल्यू है दैट इज़ थ्री पॉइंट एट सेवन लेकिन एक्सपेरिमेंटल कितनी है फोर देखिए फोर और फाइव पॉइंट टू के बीच में मतलब आपने निकाल दी स्पिन ओनली से इतनी है लेकिन एक्सपेरिमेंटल तो बहुत ज़्यादा है ठीक है सिमिलरली फॉर कॉपर टू आप निकाल 1.73 रहे हैं निकल आपके पास जो तो एक्सपेरिमेंटल आ रही है वो 1.9 और 2.1 के बीच में है मतलब जो आपने स्पिन ओनली वैल्यू निकाल ली है उससे तो ज़्यादा ही आ रही है तो इसका मतलब क्या हो हमारे पास ये जो ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो क्यों आ रही है दैट इज़ ड्यू टू दी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ठीक है वहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल है ठीक है जो आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी एड हो रही है तो इस टेबल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ठीक है थीके? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की ठीक है वो ज़्यादा ही है आपके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट मूवमेंट वैल्यू से और अगर मैं दोनों का सम कर दूँ हमारे पास जो स्पिन ओनली वैल्यूज़ होंगी और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज़ होंगी ठीक है तो इन दोनों का सम जो होगा वो कभी भी जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता ठीक है मतलब जो हम आपके पास एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यूज निकाल लेंगे ठीक है वो वैल्यूज़ जो है हमारे पास जो आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है अगर हम दोनों का सम कर दें तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा एक्सपेरिमेंटल ठीक है उसके पास में ही रहेगा ठीक है थीके? उतना ही रहेगा तो इसका मतलब सिंपली हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट मूवमेंट जो है ठीक है उसमें हमारे पास ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है वो आपके पास बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे रहा है ठीक है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास जितनी भी निकल के आ रही है उसके पास में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है स्पिन ओनली की आ रही है ठीक है तो ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो आपके पास बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है और जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलती है ठीक है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल मोशन जो है वो बहुत कम है ठीक है अगर वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे दे आर कम्प्लीटली और दे आर पार्शली क्वेंच्ड क्वेंचड मतलब कि हमारा जो ऑर्बिटल मोशन है वो आपके पास रुका हुआ है ठीक है एक किस्म का रुक चुका हुआ है ठीक है अब जब रुक गया है आपके पास तो हम उसको क्वेंच बोल देंगे अब जब वो रुक चुका है तो उसका मतलब क्यों हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन कम है ठीक है अगर वो कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है तभी हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं उसमें हमारे पास जो है वो उसकी इन्वॉलमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है जितनी हमें देखने को जितनी हमें जो है वो देखने को मिलनी चाहिए थी ठीक है जैसे आपने देखा स्पिन ओनली मूवमेंट जो भी हमने निकाल ली वो बिल्कुल क्लोज है एक्सपेरिमेंटल के ठीक है अगर स्पिन ही क्लोज है तो उसमें ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम बच गई ठीक है तो यही हमारे बोलने का मतलब है कि ऑर्बिटल मोशन जो है वहां पर एक किस्म के रुक चुके हुए हैं ठीक है दे आर क्वेंच्ड ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि क्वेंचिंग हुई क्यों ठीक है ये जो क्वेंचिंग है दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीगेंट ठीक है लीगेंट जो है वो आपके पास उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि हमारे पास मेटल आइन को सराउंड करके रखती है ठीक है तो जब भी लीगेंट जो है वो मेटल के साथ इंट्रैक्ट करेंगे तो जो लीगेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास वो जो है आपके पास ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का उसको रोक देगी ठीक है तो वेन एवर लीगेंट इंट्रैक्ट विद द मेटल एटम ठीक है तो जो हमारे पास लीग इसकी इंट्रैक्शन की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है तो जो लीगेंट की फील्ड होगी उसकी वजह से आपके पास वो ऑर्बिटल जो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो एक किस्म का रुक जाएगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास ऑर्बिटल मोशन में नहीं घूम पाएंगे तो आपके पास जो है वो मैग्नेटिक uh, मूवमेंट जो है वो नहीं दे पाएंगे ठीक है अब क्योंकि ऑर्बिटल मोशन होना बहुत जरूरी है तभी आपके पास ऑर्बिटल मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी लेकिन जो लीगेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास ऑर्बिटल के मोशन को रोक देती है ठीक है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवर क्वेंचिंग ठीक है क्वेंचिंग मैकेनिज्म इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर नहीं जाऊँगा लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की ठीक है वहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर जो आपके पास लेंथेनाट एलिमेंट्स होते हैं ठीक है थीके? वहाँ पे हमारे पास क्या होता है फोर एफ ऑर्बिटल होता है ठीक है और ये जो फोर एफ ऑर्बिटल्स होता है लेंथेनाट के केस में हमारे पास वहाँ पर इस फोर एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग हो जाती है ठीक है जो हमारे पास ओवरलाइंग ऑर्बिटल्स होते हैं फाइव पी ऑर्बिटल्स वो इस फोर एफ ऑर्बिटल को शील्ड कर देते हैं ठीक है थीके? अगर शील्डिंग हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर एफ ऑर्बिटल है वो उतना इफेक्टिवली इफेक्टिवलीगेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा ठीक है अब जब लीगेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है जो लीगेंड की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है वो आपके पास ऑर्बिटल मोशन को नहीं रोक पाएगी ठीक है तो ड्यू टू दी शील्डिंग ऑफ दिस फोर ऑफ ऑर्बिटल ठीक है तो क्वेंचिंग मैकेनिज्म जो है हमारे पास जो क्वेंचिंग हम, हमें देखने को मिल रही है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वो सेम आपको जो है वो यहां पे देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो लीगेंड्स आपके पास ऑर्बिटल मोशन को नहीं रोक पाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी और जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी अब वो स्पिन की वजह से भी आएगी और साथ में ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी आएगी ठीक है अब दोनों के दोनों साथ में होंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो लेंथनड आयस होते हैं उनके केस में हम जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे अब दैट इज़ नॉट ड्यू टू स्पिन ओनली ठीक है वहाँ पर स्पिन ओनली नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा स्पिन ओनली भी होगा प्लस आपके पास ऑर्बिटल मोशन भी होगा तो उस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस इक्वेशन के थ्रू निकलती है दैट इज अंडर रूट सॉरी जे अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन जे क्या चीज़ है जे इज कॉल्ड एज जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर आपके पास क्या है जो आपके पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो भी होगी प्लस साथ में आपके पास जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी होगी तो इन दोनों का जो सम होगा ठीक है इन दोनों के सम की वजह से आपके पास जो क्वांटम नंबर निकल के आता है दैट इज योर जे ठीक है तो ये जे कहाँ पे आएगा ये आएगा, 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 आएगा आपके पास लेंथेनोइड एलिमेंट्स के केस में एंड सेकेंड एंड थर्ड रो जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वहाँ पे उन केसेस में आपको देखने को मिलेगा ठीक है जी जो है हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज योर लेंडेस्प्रेटिंग फैक्टर ठीक है और इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास दिस इज वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जे इंटू जे प्लस वन तो सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन नंबर बी का यूज़ करूँ तो मेरे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू होंगी ठीक है जो आप एक्सपेरिमेंट uh, experiment, जो एक्सपेरिमेंटल आपके पास वैल्यूज़ आएंगी और जो आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला ठीक है वो जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास फॉर द ट्राइवल एंड लेंथनड आयस ठीक है वो आपके पास बिल्कुल क्लोज जो है वो देखने को मिलती हैं ठीक है दे फाउंड टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हमारे पास एल और एस कपल नहीं करते हैं मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है और जो रिजल्टेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है अगर वो आपस में कपल नहीं करें अगर कपलिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है हमारे पास अगर ये कपल नहीं करेंगे तो हमारे पास ये जो क्वांटम नंबर है जे ये नहीं आएगा ठीक है इनकी कपलिंग की वजह से हमारे पास क्वांटम नंबर जे आता है दैट इज़ योर रिजल्टेंट जे जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास टोटल मोमेंटम वैल्यूज जो हैं हमारे पास तो अगर हमारे पास L और एस कपल नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो जिसकी वजह से हमारे पास जे वैल्यूज़ जो हैं वो निकल के आती हैं ठीक है थीके? अगर ये कपल ना करें तो हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी वो नहीं होगी ठीक है और उस केसेस में हमारे पास क्या होगा ये जो एल और एस होंगे ठीक है रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ये अब अलग अलग से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो आपके पास इंट्रैक्ट करेंगे और उनकी जो मूवमेंट होगी दैट इज़ गिवन बाई अवर इक्वेशन दिस वन ठीक है अगर हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होती है अगर इस एल एस कपलिंग नहीं होती है तो जो आपके पास एस होगा रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम और रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम ये आपस में ठीक है आपस में कपल नहीं कर रहे हैं ये दोनों अलग अलग से मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट देंगे जिसकी वजह से हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ओरिजिनेट होगी सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर ठीक है यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मूमेंट है ठीक है उसको मैंने फर्दर एक्सटेंड किया और वहाँ से मैंने आपके पास जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया ठीक है इन फर्स्ट रोड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहाँ पे हमने ये बताया कि हमारे पास जो ऑर्बिटल मोशन है फर्स्ट रोड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है ठीक है मतलब वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन उतना ज़्यादा नहीं है जिससे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट में उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी अब जब हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास तो इसको हम बोलेंगे क्वेंचिंग ठीक है क्वेंचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है पूछा भी जाता है आपके पास तो क्वेंचिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या आपके पास कि जो लीगेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है वो ऑर्बिटल के मोशन को रोक देती है ठीक है लेकिन जब आपके पास लेंथेनाइट्स थे हमारे पास तो लेंथनाइट्स में हमारे पास ये चीज़ नहीं देखने को नहीं मिली वहाँ पे आपके पास ये क्वेंचिंग जो है वो उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है जब क्वेंचिंग नहीं है हमारे पास तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम जो है वो जो आपके पास रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम है और रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम है वो आपस में इंट्रैक्ट करेंगे दोनों इंट्रैक्ट करने की वजह से हमारे पास क्वांटम नंबर जे आता है दैट इज योर टोटल मोमेंटम ठीक है तो इस फार्मूला के थ्रू जो है हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे फॉर दी लेंथ एनऑड आइंस ठीक है तो याद रखना है फॉर द ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट रो जो ट्रांजिशन सीरीज है वहाँ पर आप जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे दैट इज ड्यू टू दिस इक्वेशन अंडर रूट एंड इन टू एन प्लस टू ठीक है स्पिन ओनली बोलते हैं इसको लेंथ के केस में आप थ्रू दिस फैक्टर निकाल लोगे ठीक है इसके थ्रू और जहाँ पे आपके पास एल एस कपलिंग नहीं होगी वहाँ पे हम टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इसके थ्रू निकालेंगे ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास क्वेंचिंग जो है वो किस तरह से होती है ठीक है और कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी ठीक है ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे मेटल आयन के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जैसे आपके पास कॉपर टू है ठीक है कॉपर टू था कबाल टू था तो इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ज़्यादा है ठीक है जो हमारे पास पिन ओनली वैल्यू आ रही है तो इनके केसेस में हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है ठीक है तो ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगी बाकियों में क्यों नहीं है ठीक है अदर मेटल आइंस में केस में क्यों नहीं है और क्यों कम ज़्यादा है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच